गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई आरजे सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेटर्स, यानी लेटर राइटिंग। लेटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू जेडी इंग्लिश एडिशन। आज लेटर्स पढ़ेंगे, तो लेटर्स पढ़ने से पहले अपने माइंड में जो चीजें होनी चाहिए वो आज अपन पहले ध्यान दे देते हैं कि अपन सबसे पहले क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें सुनिश्चित करना होता है कि वो अपने अंदर है कि नहीं है लेटर लिखने के लिए। तो लेटर से पहले जो चीजें लिखी जाती हैं मैं बता देता हूं आपको एक एक करके। पहली हम बात करें लेटर का जो उद्देश्य है वो लिखने वाले के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन किस उद्देश्य को लेकर के पत्र लिख रहे हैं वो अपने माइंड में क्या होना चाहिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपन माने रूल के अंदर, या रूल नहीं है ये लेटर लिखने से पहले कुछ बातें होती है जिनका हमें बहुत ही बखूबी ध्यान रखना होता है। तो पहला हो गया अपना लेटर का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम लिखेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, बड़े सेंटेंसों से बचें, इन बड़े जो सेंटेंस हैं से बचें। सुन में आ गया वो बात आपको, किसके अंदर आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, बड़े बड़े सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं। तीसरी बात की अपन बात करें तो क्या हो सकती है तीसरी बात है? भाषा फॉर्मल या सरल होनी चाहिए। आगे बात सुन में, सरल होनी चाहिए। अगला भावुक ना हो, अथवा ये बोल सकते हैं माने कि किसका यूज नहीं करना आपको, यू या यू डोंट का प्रयोग नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना, क्योंकि इनसे अपनी भावुकता झलकती है, यू डोंट आपको नहीं काम में लेना। क्या प्रयोग से बचें, समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझ में आया कि भावुक ना हो अथवा यू या यू डोंट का प्रयोग आदि करने से आपको बचना है। और लास्ट की बात अपन बात करें तो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु को अलग अलग पैराग्राफ में लिखें ताकि हर बिंदु स्पष्ट हो। समझ में आ गया होगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से इसके दोहरा कर देता हूं, पांच बातें हैं लेटर का उद्देश्य है वो लिखने वाले के माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक बात, छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, बड़े बड़े सेंटेंस जो बचे हैं बड़े सेंटेंस आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। भाषा फॉर्मल या स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल या स्पष्ट होना चाहिए। भावुक ना बने, भावुक बनने के लिए अपन कुछ वर्ड्स जो डिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जैसे यू और यू डोंट का प्रयोग आपको नहीं करना। उसके बाद में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग पैराग्राफ में आपको लिखना है। अब हम लिखेंगे पूछे के जो टाइप्स होते हैं लेटर के, वो कितने टाइप होते हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि लेटर राइटिंग के वो टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? मेन रूप से हम इनको दो पार्ट्स में कर देते हैं, कह रहे हैं दो पार्ट्स में इनको अपन डिवाइड कर देते हैं। दोनों प्रकार के लेटर आपके सामने मैंने लिखे हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर होते हैं आपको कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं, इसके अंदर ऑफिशियल लेटर्स आ सकते हैं, लेटर टू एडिटर आ सकता है, बिजनेस लेटर आ सकता है, सोशल इश्यूज रिलेटेड लेटर आ सकते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग लेटर आ सकते हैं। तो मतलब ये सारे आ जाएंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लेटर्स आते हैं। ये यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ऑफिस से संबंधित, किसी अथॉरिटी से संबंधित जो लेटर लिखे जाएंगे वो फॉर्मल लेटर होंगे। अब फॉर्मल जो लेटर होंगे उनका जो रूल्स है, उनका जो फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप ये लिख लें, रूल्स की अपन बात करें तो रूल्स में जो फर्स्ट है, अपना ध्यान दें, रूल्स में जो फर्स्ट नेम फर्स्ट होता है वो क्या होता है, सेंडर से एड्रेस, यानी पत्र लिखने वाले का पता। सेंडर से एड्रेस का मतलब समझ गया, जो सेंड करने वाला है, समझे होंगे आप कि जो सेंड करने वाला है उसको सेंडर बोलते हैं। तो उसका एड्रेस अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इन्हें लेफ्ट साइड, तो इन लेफ्ट साइड पत्र भेजने वाले का पूर्ण पता लिखें, जो तीन से ज्यादा लाइंस में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें स्पेशल आप पे कि जब आप एड्रेस लिख रहे हो किसी का भी, तो वो एड्रेस है वो तीन से ज्यादा लाइनों में नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जिस अपना आप खुद का एड्रेस लिखने लग रहे हो, ऐसे अंधेरी गली पीपल के पास गट्टे के पास सामने वाली गली में मकान नंबर 414 इन दिल्ली, ऐसा इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, शॉर्ट साइड ऐसे लिखना है। उसके बाद में आप बात करें डेट की, डेट एंड दिनांक, सेंडर्स एड्रेस के जस्ट नीचे, सेंडर्स एड्रेस के तुरंत बाद एक लाइन छोड़ करके, यानी सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद में डेट लिखेंगे। स्पेशल बात, डेट का फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, डेडी यानी डे होना चाहिए, मंथ होना चाहिए और ईयर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना, जैसे आज की डेट है 27 मई 2020, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 27 5 2020, ऐसे लिखोगे तो आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन बात कर रहे फॉर्मल लेटर में, तो रिसीवर्स एड्रेस क्या लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, डेट के नीचे एक लाइन फिर छोड़ेंगे और क्या कर देंगे, पत्र जिसको भी भेज रहे हैं, जो भी आदमी पत्र को प्राप्त करेगा, जो प्रतिष्ठान पत्र को प्राप्त करेगा उसका पूरा पता लिखेंगे, जैसे हमने सेंडर का एड्रेस लिखा हो। इसके लिए एक और विशेष कि इससे पहले लेटर में यदि रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, सुनिए बात, क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर दे रखा हो तो उसको भी अपने सेंडर एड्रेस से पहले लिख देंगे, सुनिए बात। अगला है सैल्यूटेशन। क्या अगला? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। तो सैल्यूटेशन किसी भी प्रतिष्ठान के किसी पर्टिकुलर अधिकारी को, जो जेंट्स और मैडम दोनों हो सकते हैं, लेडीज दोनों हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर अधिकारी को लिख रहे हैं तो अपन लिखेंगे डियर सर। क्या लिखेंगे? डियर सर लिखेंगे। और यदि किसी मैडम को लिखना हो तो डियर मैडम लिख देंगे। और यदि उस प्रतिष्ठान के नाम हम पत्र लिख रहे हैं, ध्यान से सुने कि यदि किसी प्रतिष्ठान के नाम हम पत्र लिख रहे हैं तो अपन डियर सर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डियर सर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब आप सब जानते हैं विषय, यानी जिस विषय के लिए, जिस भी विषय पर अपन पत्र लिख रहे हैं उसका संकेत देने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट जो है वो संक्षिप्त सटीक होना चाहिए। इसको आप सैल्यूटेशन से पहले भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको सैल्यूटेशन है वो पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है। अगला रूल, अगला अपना रूल है कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? वैसे तो कम्युनिकेशन का अर्थ संचार, लेकिन यहां लिखते हैं अपने विवरण। क्या होता है विवरण? विवरण मतलब वर्णन। जो सब्जेक्ट हमने ऊपर संकेत के रूप में लिखा है उसका क्या करेंगे? वर्णन कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्णन कर देंगे। इसको अपने एक या दो पैराग्राफ में अकॉर्डिंग अवर फैक्ट या अकॉर्डिंग अवर पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? इसके पैराग्राफ अपने दो या तीन कितने बना सकते हैं, देयर आर नो लिमिट ऑफ मेकिंग द पैराग्राफ्स। और उसके बाद में बात करें अपने एंडिंग की। एंडिंग मतलब समाप्ति। तो पत्र की एंडिंग को कुछ ऐसे शब्दों के साथ करें जिससे क्लियर हो जाए रीडर को कि हाँ पत्र क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जिसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहां लिख सकते हो थैंक यू, ऑलवेज रेडी टू सर्व यू लिख सकते हो, ऑलवेज टुवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स टू हियरिंग फ्रॉम यू लिख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू यू टू स्विफ्ट या अर्ली रेस्पॉन्स या रिप्लाई लिख सकते हो आप। उसके बाद कहता है क्लोजिंग फ्रेज, यानी एंडिंग के बाद में आपको कुछ क्लोजिंग फ्रेज लिखने हैं। जैसे कैसे लिखने हैं? जैसे डियर सर और डियर मैडम दे रखा हो तो योर फेथफुली, और जैसे किसी ने नाम दे रखा हो तो योर सिंसियरली लिख सकते हैं, अपन से छोटे योर लविंग लिख सकते हैं, और यदि ये सारे याद ना हो तो सबके लिए आप ये चीज रट के रख लेना कि आप योर फेथफुली है वो सभी के अंदर काम में ले सकते हो। क्या काम में ले सकते हो? योर जो फेथफुली जो नाम लिखा है मैंने, इसको आप हर जगह काम में ले सकते हो। लास्ट अपना जो नियम है वो है आप बिजनेस लेटर तैयार कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट देखो आप, मोटा मोटा कोई रूल्स है, दोबारा से आपको रिविजन के लिए बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस लिखेंगे, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और उसको अपन तीन से ज्यादा लाइनों में नहीं लिखेंगे। डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेट अपन लिखेंगे वो कैसी होनी चाहिए। डेट जो है उसका फॉर्मेट मैंने पहले ही बताया था आपको, वो कैसा होना चाहिए, DDMM और YY, मतलब डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर यदि दे रखा हो तो वो भी लिख देंगे। फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे तीन लाइनों से, वो भी नहीं होना चाहिए। इनके बीच में हम क्या करते जाएंगे, एक एक लाइन छोड़ते चले जाएंगे ताकि वो अपना क्लियर हो, अपना लिखा हुआ ना। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन भी अपन क्या लिख देंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपको बताएंगे सटीक और क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन लिखेंगे, इसको अपन वर्णन बोलते हैं, उसको अपन दो या तीन पैराग्राफ में बनाकर लिख सकते हैं। फिर एंडिंग लिख देंगे, एंडिंग भी एक लाइन में होना चाहिए। क्लोजिंग फ्रेज भी लिख देंगे अपन, और क्या करेंगे, नेम एंड साइन ऑफ सेंडर्स विद डेजिग्नेशन को लास्ट में लिखेंगे। ये ध्यान रहना चाहिए कि आपको ये सारी की सारी चीजें हैं वो लेफ्ट साइड में रखनी है। किस साइड में रखनी है? लेफ्ट साइड में रखनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वलिटी है वो एकदम से इक्वल होना चाहिए सीक्वेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट जैसे लिख रहे हो उसके बाद यहां से स्टार्ट कर देते हैं, कहो तो सैल्यूटेशन डेयर सर लिखा उसके बाद में इतनी जगह छोड़ करके यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको कि हर चीज यहाँ से सीधे मुझे ये नाम नहीं लिखना है आपको एड्रेस में। आप सोच रहे होंगे सर ने बताया था कि सेंडर से एड्रेस आते ही आप सबसे पहले सेंडर से एड्रेस लिख दूंगा, ऐसा नहीं करना है। उसके अपन एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। सेंडर का एड्रेस लिखना है, नाम नहीं लिखना है, डेट भी नाम नहीं लिखना है, डेट जो ओरिजिनल है इंक्लूडेड डेट जिस तारीख को अपन पत्र लिख रहे हैं वो डेट लिखनी है, ठीक है। इस हिसाब से सारे फॉर्मेट का आपको इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का बिजनेस लेटर आप कर सकते हो। आ गया समझ में? Thank you.